आज हम राजस्थान की फेमस और मेरी फेवरेट सब्जी बनाएंगे, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप गट्टे की सब्जी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे गट्टे इतने सॉफ्ट नहीं बनते। तो अगर हम इस तरह से गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल मुंह में रखते ही घुलने वाले बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और साथ में हम खूबा रोटी भी बनाएंगे, जिसे झाड़ी रोटी भी बोलते हैं, और ये गट्टे की सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ में चटपटा मिर्ची का संभारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम खूबा रोटी के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब उसी के साथ हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम इस तरह का डो लगा करके तैयार करेंगे। और इसे हम साफ कपड़े से ढककर रख देंगे। और अब हम गट्टे की सब्जी और मिर्ची का संभारा बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सुरुचि का क्रश लिया है, तो ये ड्राई ग्राइंडिंग जार है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ डाल देंगे और रूटीन मसालों में धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जी और संभारा बनाने के लिए मसाला रेडी है, इसे हम अलग बॉल में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर चटनी वाला जार लगाया है, तो इसमें मैंने 1.5 टमाटर लिया है और आप चाहे तो प्याज और लहसुन का यूज़ भी कर सकते हो। अब उसी के साथ 1 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का ऐड करेंगे और 4 से 5 काजू ऐड करेंगे, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ग्रेवी के जितना नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी रेडी है। अब स्मूदी और मिल्क शेक बनाने वाला जो जार है, इसमें हम 1 कप फ्रेश दही लेंगे, तो दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब उसी के साथ हम 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और दही के जितना नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और आधी टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये सुरुचि का क्रश हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और ये दिखने में भी बहुत प्यारा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो हम इसे छोटी सी छोटी जगह में भी रख सकते हैं। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी दही की ग्रेवी भी रेडी है। अब मिर्ची का संभारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की मिर्च ली है जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, तो मैंने इसे गोलाकार कट कर लिया है और टुकड़े आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। तो इतनी तैयारी के बाद हम गट्टे के लिए डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और ये बारीक वाला बेसन है। तो उसी के साथ हमने जो मसाला बनाया था वो 3 चम्मच मसाला ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और घी को मैंने गर्म कर लिया था, तो 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और आधी चुटकी जितना हम इसमें सोडा ऐड करेंगे ताकि हमारे गट्टे सॉफ्ट बने। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और रोटी से थोड़ा सा नर्म डो लगा करके तैयार करेंगे। तो बेसन में हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, क्योंकि बेसन में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो डो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस डो को हम थोड़ा सा तेल लगाकर मसल लेंगे। तो गट्टे बनाने के लिए यहाँ पर हमारा डो रेडी है, तो इसमें से हम छोटी छोटी 5 लुइयां तोड़ लेंगे और इस तरह से हम गट्टे बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी गट्टे बना लिए हैं। अब गट्टे को उबालने के लिए हम 2 ग्लास जितना पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। तो पानी हम बहुत ज़्यादा गर्म करने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि यही पानी का यूज़ हम सब्जी में करने वाले हैं। और जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने गट्टे को भी थोड़ा सा पतला कर लिया और इसको बीच में से कट कर लिया, क्योंकि जब गट्टे उबलेंगे तो वो थोड़े से फूलेंगे। तो मेरा पैन भी छोटा था, इसलिए मैंने गट्टे को इस तरह से थोड़ा सा कट कर लिया है। तो पानी जब उबलने लगे तब हम इसमें गट्टे डाल देंगे, और पानी का उबलना ज़रूरी है, नहीं तो गट्टे तले में चिपक जाएंगे। अब गट्टे को हम अच्छे से उबालेंगे। तो जैसे ही गट्टे उबलना स्टार्ट हो जाएंगे वो पानी में इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद हमें इसे 10 से 12 मिनट के लिए उबालना है, तभी हमारे गट्टे अंदर तक पकेंगे।
तो गट्टे को पकाने में हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आराम से हम इसे पकने देंगे। और जब तक गट्टे उबल रहे हैं तब तक हम यहाँ पर मिर्ची का संबारा बनाएंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे और राई का तड़का देंगे, और उसी के साथ हमने जो मिर्ची कट की थी उसे भी ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो मिर्ची को हमें ओवर कुक नहीं करना है, खाने में मिर्ची का क्रंच आना चाहिए, तब तक ही हम इसे पकाएंगे। और हमने जो गट्टे के लिए मसाला बनाया था वो ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच जितना मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर हमने इस तरह का मसाला बना लिया तो गट्टे बनाना भी आसान रहेगा और इस तरह का मिर्ची का संबारा बनाना भी बहुत आसान रहेगा, और ये मसाला मिर्ची में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमारा मिर्ची का संबारा रेडी है, और 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे गट्टे भी अच्छे से पक गए हैं। तो तुरंत हम इसे पानी से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि गट्टे में इस तरह से बबल्स आ गए हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह से बबल्स आए, तभी हमारे गट्टे खाने में सॉफ्ट लगेंगे। अब गट्टे को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो सभी गट्टों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और आज हमने जितना मेजरमेंट लिया है इसमें से 4 से 5 लोगों के लिए सब्जी बनाई जा सकती है। अब गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तो मैंने 3 टेबलस्पून जितना तेल लिया था, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो सब्जी बनाने के लिए 1.5 टेबलस्पून जितना तेल काफ़ी रहेगा। अब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा ऐड करेंगे, और हमने जो टमाटर और काजू वाली पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। अब हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे, और हमने जो दही वाली ग्रेवी बनाई थी वो ऐड करेंगे, और लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि दही फटे ना। वैसे तो हमने टमाटर के साथ 4-5 काजू इसलिए ही ऐड किए हैं ताकि हमारी ग्रेवी फटे ना, क्योंकि जब गट्टे की सब्जी में दही फटता है तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता और गट्टे की सब्जी दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो गट्टे वाला जो पानी बचा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, और उसी के साथ हम गट्टे भी ऐड कर देंगे। अब ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी चाहिए उसी के हिसाब से आप यहाँ पर इसे उबाल सकते हो। तो जब तक हमारी सब्जी उबल रही है तब तक हम रोटी को बेल करके तैयार करेंगे। तो आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम अच्छे से मसल लेंगे और इसमें से हम 3 लुइया तोड़ लेंगे। और अगर आप ज़्यादा मोटी रोटी बनाना चाहते हो तो 2 लुइया भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा मोटी रोटी पसंद नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रोटी बनाई है। अब इसे हम सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। तो इसे हम पराठा से थोड़ा सा मोटा रखेंगे, और इसी तरह से हम सभी रोटी बना करके तैयार करेंगे। तो 5 से 7 मिनट उबलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी रेडी है, और आप देख सकते हो कि ये दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और गर्म तवा पर हम रोटी को सेक लेंगे। तो जैसे ही हम रोटी डाल देंगे तुरंत हम इसे पलट देंगे और गैस की आंच बंद कर देंगे। और आप चाहे तो हाथ से भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर रोटी बनाने के लिए जो हम चिमटा यूज़ करते हैं उसी से भी आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। अब हम गैस चालू करेंगे, और नीचे से जब ये अच्छे से पक जाए तब हम इसे डायरेक्ट गैस की आंच पर सेकेंगे, और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे, और इसे उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्प हो जाए तब तक सेक लेंगे। और एक रोटी को सेकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। जिस तरह से हम गुजराती भाकरी को सेकते हैं वैसे ही यहाँ पर हमें इस मोटी रोटी को सेकना है। तो यहाँ पर हमारी खोबा रोटी रेडी है। तो सर्विंग प्लेट में हम गट्टे की सब्जी रखेंगे और इसे हम हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी खोबा रोटी भी रेडी है, तो इस पर हम ढेर सारा घी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आज की आसान सी खोबा रोटी, मिर्ची का संबारा और गट्टे की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।